जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का मेरा ये वीडियो है मेरु त्रयोदशी की महत्वता। हम क्यों मेरु त्रयोदशी मनाते हैं? अष्ट महाप्रतिहार्य युग श्री वर्धमान स्वामी ने गौतम गंधर्व के समक्ष मेरु त्रयोदशी का जो महत्व फरमाया, उसी का विवेचन पिंगलाराय का दृष्टांत है। श्री ऋषभदेव स्वामी और अजितनाथ प्रभु के अंतराल काल में यानी 50 लाख करोड़ सागरोपम के मध्य काल में पूर्व देशांतरगत अयोध्या नाम की नगरी में गौत्रवंतस इक्ष्वाकुंज के अंतर्गत नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 500 रानियां थी। उनके प्रियमती नाम की पटरानी थी। धनंजय नाम का चतुर्बुद्धि निधान महामंत्री था। एक बार राजा को चिंता हुई कि प्रभु कृपा से मुझे सब तरह के सुख प्राप्त है, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं होने से इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। एक समय कोकण नाम के मुनिराज राजा के घर आहार के लिए पधारे। राजा रानी ने सविनय उन्हें वंदन किया, भावपूर्वक आहार बहरा कर प्रार्थना की, हे स्वामिन, हमें पुत्र की प्राप्ति कब होगी? मुनिराज ने कहा, हे राजन, तेरे पुत्र तो होगा किंतु पांगला होगा। अंत में इतना कहकर मुनिराज वहाँ से चले गए। पश्चात राजा रानी ने विचार किया, नहीं, मामा से काना मामा अच्छा, भले पंगु पुत्र हो। क्रमशः महारानी गर्भवती हुई। पूर्ण काल होने पर पांगले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र महोत्सव मनाया गया और उस पुत्र का नाम पिंगलाराय रखा गया। राजकुमार बहुत सुंदर था और बाहर निकालने से नजर लगने की संभावना है, इसलिए उनकी व्यवस्था अंदर ही की गई। इधर अयोध्या नगरी से 125 राज्य की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नाम का नगर था। वहाँ शतरथ राजा राज्य करता था। उसके इंदुमती नाम की पटरानी और गुणसुंदरी नाम की रूप लावण्य से युक्त सुशील दक्षा निपुण एकाकी पुत्री थी। एक दिन नगर के कुछ व्यापारी खरियाना लेने देशांतर व्यापार के लिए जाने लगे। उस समय राजा ने उनको कहा, विदेश भ्रमण करते हुए तुम्हें यदि गुणसुंदरी के योग्य कोई वर मिल जाए तो सगाई संबंध कर देना। व्यापारियों ने वहाँ पर समस्त माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और नया माल खरीदा। वापस जाते वक्त उन्हें अपने राजा की बात याद आने से पिंगलाराय की प्रसिद्धि सुनकर उन्होंने राजकन्या गुणसुंदरी की उससे सगाई कर दी। राजा चिंतित हो गया और रानी और मंत्री को एकांत में बुलाकर कहा, कुमार पांगला है, इसको कन्या कौन देगा? महामंत्री ने सेवकों को बुलाकर कहा, इस समय कुमार यहाँ नहीं है, वे ननिहाल गए हुए हैं, अतः अपनी लग्न नहीं हो सकेगा, आगे देखा जाएगा। तब सेवकों ने कहा, हे स्वामिन, हमारा नगर दूर है, बार बार आना अशक्य है, इसलिए हमें पूर्ण निश्चय कर लग्न दीजिए और आप सभी समय पर पधार जाना, ऐसी हमारी विनम्र विनती है। राजा ने 16 मास के अंदर अंदर लग्न करने का निर्णय किया। तब लग्न लेकर राज अनुचारों ने मलय देश की तरफ प्रस्थान किया। महाराज महारानी और महामंत्री बहुत चिंतित के और शोक सागर में डुबकी लगा रहे थे। सौभाग्य से उस अवसर पर 4 ज्ञान के धारक गागदिल नाम के महामुनि अपने 500 शिष्य परिवार के साथ नगर के उद्यान में आए। राजा मुनिराज को वंदन करने गए और विधिपूर्वक वंदन करके योग्य स्थान पर बैठ गए। गुरु महाराज की देशना श्रवण कर राजा ने नम्रता से पूछा, हे भगवान, मेरे पुत्र किस कर्म के कारण पांगला हुआ? गांगिल मुनिराज ने फरमाया, पूर्व कृत पाप के प्रबल प्रताप से सब कुछ होता है। गुरु महाराज ने कहा, हे राजन,
जीव मिथ्यात्व के उदय से कर्म बंधन करता है, तेरा पुत्र भी इसी प्रकार कर्म बंधन करके पांगला हुआ है। गुरुवाणी श्रवण कर राजा ने कहा, हे प्रभु, इसका कर्म किस प्रकार नष्ट हो सकता है? मुनिराज ने फरमाया, 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानि 32 पद्म 40 नील सागरोपम पर्यंत नष्ट हुए धर्म के उद्धारक ऋषभदेव स्वामी का तीसरे आर्य के 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहने पर मावधि 13 को निर्वाण कल्याणक हुआ है। वह दिवस उत्तम है, उस पर्व दिन का आराधना करो। कैसे करनी है पर्व आराधना? माघ कृष्ण त्रयोदशी के दिन चौवियार उपवास करना चाहिए। परमात्मा के सम्मुख 5 रत्न में मेरु चढ़ाना, जिसमें चारों दिशाओं में 4 छोटे और मध्य में एक बड़ा मेरु रखना। प्रत्येक छोटे मेरु के समक्ष एक एक नंदावर्त साथिया करना। दीप धूप बहुविधि द्रव्य पूजा करने से करने की विधि है। ओम ह्रीम श्रीम ऋषभ देव पारंगताय नमः। इस पद को 20 नवकार वाली गिनना। अगर पौषद उपवास किया हो तो सर्व द्रव्य विधान पारने के दिन करना चाहिए। बाद में सुपात्र का अतिथि संविभाग भी करना चाहिए। प्रति मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन वह व्रत करना चाहिए। जघन्य 13 महीने और उत्कृष्ट 13 वर्ष में यह व्रत संपूर्ण होता है। पश्चात यथाशक्ति उजमना करना आवश्यक है। मुनिराज ने कहा, हे राजन, इस विधि से तेरा पुत्र को पर्व आराधना करना चाहिए। इस प्रकार गुरु महाराज का वचन सुनकर अनंत वीर्य राजा अपने पुत्र पिंगलाराय सहित व्रत अंगीकार कर अपने स्थान पर वापस चले गए। राजकुमार ने उपरोक्त पावन तिथि के दिन भावपूर्णक रत्न आरंभ किया। प्रथम व्रत से ही पैरों में अंकुरे प्रकट हुए। 13 महीने में तो वो सुंदर हाथ पैर उत्पन्न हो गए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। 16 मास बाद पिंगलाराय का गुण सुंदरी के साथ विवाह हुआ। पिंगलाराय ने 13 वर्ष तक मेरु त्रयोदशी का आराधना किया। पश्चात महोत्सव पूर्वक उजमना किया। उसने 13 जिन मंदिर बनवाए, 13 स्वर्णमय रत्नमय रजतमय जिन बिंब भराए, 13 प्रकार के रत्नों के 5 मेरु बनवाकर चढ़वाए, 13 बार संग निकाला और 13 बार स्वामी वात्सल्य किया। इस प्रकार मेरु त्रयोदशी पर्व की महिमा पिंगलराय के से प्रसिद्ध हुई। पहले लोग रत्नों के मेरु चढ़ाते थे, फिर क्रमशः काल के प्रभाव से सोने तथा चांदी के चढ़ाने लगे और वर्तमान में घृत के मेरु चढ़ाने की प्रवृत्ति है, यानी घी के मेरु चढ़ाने की प्रवृत्ति है। इस पर्व के आराधना से भव भवांतर में सुख संपत्ति की उपलब्धि होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।